मंच पर विराजमान यहां के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मेरे सहयोगी मंत्री भाई विजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे पवई के विधायक प्रहलाद जी, हमारे अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी, भाई राजेश वर्मा जी, अब मैं क्षमा चाहूंगा, देर बहुत हो गई, इसलिए आदरणीय मंच, और मैं देख रहा हूं जहां तक मेरी नजर जा रही है, दूर दूर तक मेरी बहनों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मेरे भाई यहां बैठे, नौजवान यहां बैठे, मैं आज ये इसको नीचे कर दो बेटा, अभी इसको नीचे कर दो, उधर पीछे दिख नहीं रहा, बाद में देख, इसको जल्दी बेटा नीचे कर दो, है देखो हजारों लोग यहां बैठे, इसको नीचे कर दो जल्दी, इसको हटा दो जल्दी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं जहां तक देख रहा हूं, मेरी बहनों का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। आज बहुत देर से मैं आपके पास, हटो भाई, मैं बहुत देर से आपके पास पहुंचा हूं, लेकिन 11-12 बजे से मेरी बहनाएं इंतजार कर रही है। मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मेरी बहनों मुझे माफ कर देना, आते आते बहुत देर हो गई, देर से आया हूं, लेकिन ये वचन देने आया हूं। मेरी लाडली बहनाओं ने आज पगड़ी पहना के भाई का स्वागत किया है, मैं अपनी बहनों का मान, आपकी शान और आपका सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा, मेरी बहनों कभी कम नहीं होने दूंगा। आज गुनौर की सड़कों पर जनता जनार्दन ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। बहनों बैठ जाओ सर, बहनों तुमने फूल बरसा के स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा, बहनों की जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। और सुनो मेरी बहनों, जगह जगह बहनों ने आरती उतारी, आरती उतार के अपने भाई को आशीर्वाद दिया है, तुमने दीपक जला के आरती उतारी है, मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं होने दूंगा, मेरी बहनों अंधेरा नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारा भाई, ये राखियां बांधी बहनों ने, राखी राखी भाई और बहनों का स्नेह का संबंध है, ये राखी का कच्चा धागा भाई और बहनों के प्यार का, प्रेम का, स्नेह का प्रतीक है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूं, बेटी के साथ भी पूरा न्याय नहीं हुआ, इसलिए हमने लाडली बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, लेकिन आज मैं ज्यादा लंबा उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरी बहनों बताना, अगर 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी कहीं से दौड़ के आए और माँ की गोद में बैठ के कहे माँ मुझे कपड़ा दिला दे, तो बताओ दिलाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं होती? और जब पास में पैसे नहीं होते तो बताओ आंख में आंसू आते कि नहीं आते? बताओ बहनों, आते कि नहीं आते? काश मेरे पास पैसे होते तो मैं बच्चों को कपड़े दिलाती, काश मेरे पास पैसे होते मैं बच्चों को खिलौने दिलाती, बच्चों को किताब दिलाती, मैं बच्चों को पढ़ाती, मैं बच्चों को लिखाती, और सावन के महीने में अगर भैया के घर जाती तो भतीजों के लिए भी कपड़ा और मिठाई ले जाती, अगर मेरे पास पैसा होते तो। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी बहने, गरीब बहने, निम्न मध्यम परिवार की बहने 1500 रुपए के लिए भी परेशान होती थी, बताओ मेरी बहनों सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो सब सही है कि नहीं? लेकिन इस धरती पर
भारत पर और मध्य प्रदेश पर बहनों का भी तो हक है। अरे भगवान ने बहनों को भी तो पैदा किया है, बेटियों को भी तो पैदा हुआ है, बेटियों को भी तो पैदा किया है, इसलिए बहनों का भी उतना ही हक है। मेरे दिल में तकलीफ होती थी कि मेरी बहनों के आंखों में आंसू काए रहे, क्यों रहे? और मेरी बहनों, तुम्हारे बेटा बेटी मुझे कहते थे मामा मामा मामा, तो उनका मामा हुआ तो मैं तुम्हारा भैया हुआ कि नहीं? अरे सब बहने बताओ भाई हुआ कि नहीं? तो भाई का कोई फर्ज है कि नहीं? और भैया भी हूं तो सौतेला नहीं हूं, सौतेला भाई हूं कि सगा हूं बताओ, और जोर से बताओ। भाई भी सगा हूं और सगा भाई सावन के महीने में बहन को घर लेवा के लाता है, राखी बंधवाता है और कोई ना कोई चीज, साड़ी कपड़ा मिठाई पैसा अपनी बहनों को देता कि नहीं देता? तो मैं भी तो भाई हूं और भाई मुख्यमंत्री हो गया, और मुख्यमंत्री बन के भाई अगर बहनों पे ध्यान ना दे तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और इसलिए मन में यह विचार आया कि अपनी बहनों को छोटी मोटी जरूरत के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि लाओ मुझे 1,000 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, 2,000 रुपया दे दो। और इसलिए बहनों ये तय किया मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके मुखिया के नाते मैंने, कि बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया डालूंगा, हर महीने 1,000 रुपया। ये केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों, ये आपका सम्मान है, ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है। और एक बात सुनना, ये रुपया विश्वास बढ़ाता है, आत्मविश्वास। बताओ पैसा पास में होते हैं तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे बोल के बताओ ना, इधर भी बताओ, हिम्मत रहती है कि पैसा तो रखें, खर्च कर लेंगे, जरूरत पूरी हो जाएगी? और एक बात और सुनना, ये पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अगर कोई गरीब आदमी हो तो कहते चौवा इधर हा, और पैसे आ जाए तो कहते चौधरी साहब इधर पधारिए। मेरी बहनों, जब से तुमने भी महसूस किया होगा खाते में, कौन कौन के खाते में 1,000 आए, इधर हाथ उठाओ, 3 बार हो गए लगभग, बहुत सी बहनों के खाते में आया, जिनके में नहीं आया वो भी चिंता ना करे, उनके नाम भी जोड़ने वाला हूं। अभी 1.25 करोड़ बहने हैं मेरी। कितनी बहने हैं मेरी? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालते हैं तो साल भर में कितना डालना पड़ेगा पता है? पता है क्या? 15,000 करोड़। कितना डालना पड़ेगा बताओ? कांग्रेस दे सकती थी क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, दे सकती थी क्या? और कोई दे सकता था क्या? लेकिन हमने कहा चाहे कुछ हो जाए, बहनों के लिए पैसे का इंतजाम तो करेंगे। और बहनों, जब से पैसा खाते में आया तो घर में भी इज्जत बढ़ गई होगी। सासू जी भी कहती होगी अरे बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो, 1,000 रुपया तो आ रहे। और पतिदेव भी ढंग से बोलते होंगे, प्रेम से कहते होंगे गुड्डू की मम्मी पैसा आ गए क्या? बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन सुनो मेरी बहनों, यहां रुकेंगे नहीं अपन, 1,000 रुपया पे रुकने वाले नहीं है। अभी मुझे पूरा संतोष थोड़ी हुआ है। अरे बहनों, 1,000 से बढ़ा के इसको 1,250 रुपया करेंगे, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं मैं। 1,250 से बढ़ा के फिर 1,500 रुपया करेंगे महीना में, 1,500 से बढ़ा के फिर 1,750, 1,750 से बढ़ा के 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,750, और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो 3,000। और 3,000 करूंगा तब चैन आएगा, क्या बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे।
बोलो सही बात है। सुनो मेरी बहन, यह अभियान तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। क्यों हम रोए, क्यों हम आंसू बहाएं, क्यों पैसे पैसे के लिए हम तरसें? मेरी बहनों, आगे हमारी कोशिश है हर बहन की आमदनी काम धंधा करते हुए 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। मैं उस पर भी बाद में विस्तार से बात करूंगा, आज देर बहुत हो गई है। और सुनो, आपके मान सम्मान पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, और इसलिए हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। बहनों को इज्जत से जीने का हक है, वो हक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो हक दिया है आपके भाई ने, प्रधानमंत्री जी ने। सुनो मेरी बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस जब बीच में आई थी, हमारी कई योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी थी। मैं मेरी बहनों बेगा भारिया सहरिया बहनों को 1,000 रुपया देता था, कांग्रेस और कमलनाथ आई बंद कर दिया। मैं बच्चों को साइकिल के पैसे देता था, 2 मिनट रुक जाओ, अभी नहीं मैं बोल रहा हूं, साइकिल के पैसे देता था, इस कांग्रेस ने बंद कर दी थी। मैं अपने बेटों को और बेटियों को लैपटॉप के पैसे देता था, कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिए। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देता था, वो भी बंद कर दिए। बेटी की शादी करवाते थे कन्यादान, उसके पैसा भी कांग्रेस और कमलनाथ ने नहीं दिए। और तो और, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, वो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब हमने फिर तीर्थ यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन बुजुर्गों केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। यह नया जमाना आ रहा है। एक तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जनता की सेवा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, निःशुल्क राशन, बीडी शर्मा जी ने कई बात बताई, मैं जोड़ना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार आज ब्यारमा सिंचाई उसके योजना के तहत 600 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा करके तुम्हारे घरों में हैंडपंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के और घरों में टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोंटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, गुंड और गगरा भर जाए। आपकी जिंदगी बदलना है मेरी बहन, अपने बेटा बेटियों की ठीक पढ़ाई के लिए उनको कई तरह की सुविधाएं। लेकिन एक बात ही केवल कहूंगा भाइयों और बहनों, अगर अपने बेटा बेटी पढ़ने में तेज हैं और उनकी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, तो चाहे 10 लाख रुपया भी साल की फीस हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा भाई भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। भांजे भाइयों का कल्याण, किसान भाइयों, सिंचाई का पानी भी मामा लेके आएगा, चिंता मत करना। ये कांग्रेस ने सब योजनाओं पे पलीता लगा दिया था, और प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसानों को हर साल देने का फैसला किया, अब मैं भी 6,000 जोड़ के 12,000 रुपया साल किसानों को देने का हमने काम किया है। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके अनेकों चीजें, लेकिन शाम हो रही है इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज तो मैं अपील करने आया हूं कि ये सब योजना चलती रहे, विकास चलता रहे, लाडली बहना योजना चलती रहे, तो आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। याद रखना, कांग्रेस अगर आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सारी योजना बंद हो जाएगी। लेकिन मैं इन योजनाओं को आगे बढ़ाऊं, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद आपके भाई को चाहिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा, जोर से बताओ बहनों, मिलेगा। तो मैं कसर नहीं छोड़ूंगा कल्याण करने में, विकास करने में, और बहनें भी एक राजनीतिक ताकत के रूप में इकट्ठी हो जाएं और खड़े होकर कहें कि जो हमारे भाई ने हमारे लिए किया है, तो जिसने किया हम उसका साथ देंगे। बोलो, सब भाई का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे,
भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। आज राजेश वर्मा गुन्नौर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। गुन्नौर विधानसभा के बहनों और भाइयों, हाथ उठाकर राजेश वर्मा को भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि भाजपा अगर जीतेगी तो ही तो मामा तुम्हारी सेवा कर पाएगा। उसे आओ मेरी बहनों और भाइयों, जाने के पहले अपनी अपनी जगह खड़े होके हम संकल्प लेंगे कि हम भाई के साथ हैं, मामा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे और फिर से मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बोलो सब तैयार हैं? तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भाई को जिताने का संकल्प लेंगे, मोदी जी को जिताने का संकल्प लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, पीछे तक जा जा लोग खड़े, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनाओं की, मेरे भांजे भांजियों की और सभी भाई बहनों की। और आपको आज तकलीफ हुई इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहता हूं, मैंने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन मेरी गलती नहीं थी, जगह जगह जनता ने रोक लिया। और सुनो, 27 तारीख को दोपहर में 1 बजे अपन राखी का त्योहार मनाएंगे। 31 को भैया को बांधना, 30 को तुम्हारा ये भाई तुमसे जुड़ेगा और तब अपने अपने गांव में मुझे सुनने तुम जरूर इकट्ठी होना, उस दिन फिर भाई तुमसे बात करेगा। बोलो सब बहनें जुड़ेंगी, तो बोलिए भारत माता की। अब 27 तारीख को मिलेंगे, मेरी बहनों आगे बढ़ते जाओ, अब गरीब नहीं रहेंगे, आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, हम भी इज्जत और सम्मान की जिंदगी जिएंगे। इसलिए भाई जान लगा देगा, मैं जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आज राजेश जी ने, वो बहन कौन थी, वो बहन थी कोई दरखास्त वाली, आज एक मिनट, राजेश वर्मा जी ने कई मांगे यहां रखी है, अब समय थोड़ा कम है, लेकिन जो तालाब फूटा हुआ था उसका बांध बनाने का और बाकी भी जो चीजें बताई है उन सब पर मैं गंभीरता से विचार करूंगा। गुन्नौर के कॉलेज में सारे सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट की भी क्लास शुरू की जाएगी और गुन्नौर में बेटियों ने कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को, हाई स्कूल को, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात कही है, रस्ते में मिली थी, तो वो हाई स्कूल भी बनाया जाएगा। लाडली बहना सेना की बहनों को धन्यवाद देता हूँ, भाई बहन मिलकर साथ चलेंगे और महिला सशक्तिकरण का नया इतिहास रचेंगे। तुम भी मेरी योजनाओं को सफल बनाने में कोई कसर मत छोड़ना। बांध का नाम क्या है? पिठरी मधुरी नहर। और मैं प्रयास करूंगा, हमारे सांसद और अध्यक्ष बीडी शर्मा जी यहां खड़े, बीडी परीक्षण करवा के नर्मदा का पानी, नर्मदा मैया का पानी तकनीकी दृष्टि से लाना संभव हुआ तो मैं वचन देता हूं नर्मदा मैया का पानी हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए। और आपसे निवेदन है कि यहाँ पर 3 हितग्राही हैं जिनको आप हित लाभ देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, श्रीमती रेखा सुतार, सामुदायिक निधि राशि 3,24,00,000 रुपए का चेक आजीविका मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। श्रीमती रेखा सुतार, श्रीमती कृष्णा बर्मन कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों चेक प्राप्त करें। श्रीमती रेखा सुतार, श्रीमती कृष्णा बर्मन, ग्राम अहिरगंवा पन्ना, आपको 3,24,00,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं श्रीमती रेखा सुतार, श्रीमती कृष्णा बर्मन। सामुदायिक निधि राशि आजीविका मिशन के अंतर्गत दूसरी श्रीमती राजकुमारी सेन, श्रीमती आरती राजपूत, ग्राम नचने शाला गुन्नौर, आपको बैंक ऋण वितरण 613 समूह राशि 12,81,00,000 रुपए का चेक
माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त हो रहा है और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना अंतर्गत 25 लाख का स्वीकृति आदेश श्री प्रेम प्रकाश रावत को मिल रहा है। सभी हितग्राहियों को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने हित लाभ वितरण किया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के ठीक नीचे जो भूमि पूजन और लोकार्पण का एक संक्षिप्त कार्यक्रम रह गया है उसे करने जा रहे हैं। 677 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे पत्रकार एकदम मंच ने एक अपना पत्र मुझे सौंपा है। पत्रकार मित्रों, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके मैं फैसला करूंगा, निश्चित तौर पर वो भी मेरी ड्यूटी है। और दोनों अध्यक्ष हमारे नगर पंचायतों के, नगर परिषद के, एक नगर परिषद गुनौर, एक अमानगंज और एक देवनगर, तीनों को तत्काल 1-1 करोड़ रुपया तो दिया जाएगा विकास निधि से, और बाद में फिर और इंतजाम करूंगा, चिंता नहीं करूंगा। बोला तो है भाई साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अब 677 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण करने के बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पर आज जल यात्रा भी निकाली गई, जल कलश यात्रा, जिसमें जल संकल्प दिला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों को, जिन्होंने जल कलश यात्रा निकाली थी, सभी बहनों के साथ जल संकल्प और 677 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण में माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर उपस्थित है। ठीक नवंच के नीचे आप देख सकते हैं पवई ब्यारमा समूह जल प्रदाय योजना, जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। 506 करोड़ की बनाई जाएगी पवई ब्यारमा समूह जल प्रदाय योजना, जिसके अंतर्गत 260 गांव, 109 गांव और 57,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं। 677 करोड़ की सौगात पन्ना जिले को और विधानसभा गुनौर को मिल रही है। आप सभी की तालियां इस वक्त भी बनती हैं। बहुत बहुत बधाइयां सभी पूरे पन्ना जिले को और गुनौर विधानसभा क्षेत्र को, जहां पर गुनौर विधानसभा अंतर्गत ग्राम बिरवाही में विद्युत वितरण उपकेंद्र, साथ में पवई विधानसभा अंतर्गत ग्राम सिमरिया में विद्युत वितरण उपकेंद्र का लोकार्पण भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पट्टिका का अनावरण कर लोकार्पण कर रहे हैं, इस वक्त भी आपकी तालियां जरूर बनती हैं देवियों सज्जनों। बहुत बहुत बधाइयां सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 677 करोड़ की सौगात दी है उन्होंने। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी साथ में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और सभी अतिथिगण यहां से अब प्रस्थान करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पधारे यहां पर महानुभावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लाडली बहनों का, भाइयों बहनों का।